फ्रेंड्स, जो लोग UPIDs जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या कोई और UPID यूज़ करते हैं, उनके लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सुने जो गूगल पे और फ़ोन पे जैसे UPIDs इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे वैसे हमारे हर काम हमारी उंगलियों पर हो रहे हैं, और ऐसे हो रहे हैं कि सिर्फ सेकेंड्स के अंदर हमारा हर काम हो जाता है सिर्फ उंगलियों के ऊपर। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है इस टेक्नोलॉजी में, वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे बैंक्स ने अपने बैंक्स के नेट बैंकिंग ओपन किए हैं और लोगों को नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दी है। उसी तरह बहुत सारे UPIDs भी हैं, उसमें ख़ासकर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले UPIDs जो हैं वो गूगल पे और फ़ोन पे हैं। शायद आप भी इसे यूज़ करते होंगे। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ज़रूर इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आप सुने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है, जो लोग UPID जैसे गूगल पे और फ़ोन पे यूज़ करते हैं, उनके लिए साइबर क्राइम पुलिस ने एक अलर्ट मैसेज जारी किया है। और वो अलर्ट मैसेज ये है कि अक्सर होता क्या है कि आपके नंबर पर किसी दूसरे UPID से, जो अननोन होता है आपके लिए, एक अननोन UPID से कुछ अमाउंट सेंड किया जाता है। सेंड करने के बाद फिर उसी फ़ोन नंबर से आपको कॉल आता है कि बाई मिस्टेक हमने आपके UPID पर अमाउंट सेंड कर दिया, तो हमें रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज़ हमारा अमाउंट हमें रीपे कर दीजिए। तो जब आप रीपे करने जाएंगे तो हज़ार बार सोचें, यहीं पर जो है, यहीं पर आप धोखा खा जाते हैं। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा गलत फ़ायदा जो है, हैकर्स, फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स उठाते हैं। जब आप उन्हें अमाउंट रीपे करने जाएंगे तो आपका पूरा UPID हैक कर लिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट हैक किया जाएगा, और विथ इन सेकेंड्स आपका बैंक अकाउंट और आपके UPID खाली हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके UPID पर कोई अननोन UPID से अमाउंट आए, तो सबसे पहले जो आप उसे वेरीफाई करें, और अगर वो कॉल करके कहें कि हमें अपना हमारा अमाउंट रीपे कीजिए, तो सबसे पहले आप उनका एड्रेस लें, आप उनका कोई एड्रेस प्रूफ मांगें। अगर वो एड्रेस प्रूफ भी आपको सेंड कर दिए, तो फौरन आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के बाद वहाँ पर उनका इन्फॉर्मेशन दें, तो उसके बाद का मामला जो है वो साइबर क्राइम पुलिस देख लेगी। तो यही एक अलर्ट मैसेज है उन लोगों के लिए जो UPID यूज़ करते हैं, जैसे गूगल पे और फ़ोन पे। अगर गलती से किसी के UPID से आपको अमाउंट आए, तो आप टेंशन मत लें। जब उनका कॉल आए तो वेरीफाई करें। अगर वो कहें कि आपको रीपे अमाउंट करना है, तो मत करें। और अगर कोई वो मैसेज के ज़रिए से, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए से आपको लिंक भेजें और कहें कि आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, हमें पेमेंट रीपे हो जाएगा, तो हरगिज़ मत करें दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा देंगे। तो फौरन आप पुलिस स्टेशन जाएं और वहाँ पर जो है इस माजरे के बारे में पुलिस से कहें, वो आगे का मामला जो है पुलिस देख लेगी। तो यही एक अलर्ट मैसेज क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को दिया है कि अगर अननोन UPID से आपको अमाउंट आए, तो उनका फ़ोन आने पर आप वो अमाउंट रीपे मत करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें बताई गई हर एक बात सच है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है, शायद आपको भी हुआ होगा। और ऐसे फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में, हैकर्स के बारे में मैंने मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अपने चैनल को विजिट करके देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है आपको धोखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।